नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ में। दोस्तों, रामलाल जी मीणा का जो ऑफिशियल जो फेसबुक आईडी है उस पे अपन विजिट कर रहे हैं, जहां पर यहां पर रामलाल जी मीणा ने पंचायत राज एलडीसी भर्ती नर्सिंग भर्ती को लेकर एक अपडेट जारी किया है। क्या है पूरी अपडेट, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, युवाओं के ज्वलंत मुद्दों पर 50 से ज्यादा विधायकों की अनुशंसा एवं हस्ताक्षर करवाकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय अशोक जी गहलोत साहब से मुलाकात की। मुख्य रूप से वर्ष 2013 की पंचायत राज एलडीसी भर्ती और नर्सिंग भर्ती 2013 को अविलंब प्रारंभ करने, सूचना सहायक की वेटिंग लिस्ट जारी करने, पंचायत सहायकों की समस्याओं को दूर करने एवं अन्य भर्तियों को पूरा करने के साथ पुलिस कर्मियों की ग्रेड पे एवं वेतन वृद्धि को लेकर वार्ता सफल रही। राजस्थान जल्द ही राजस्थान के बेरोजगार युवा साथियों को सुखद परिणाम प्राप्त होंगे। दोस्तों, यहाँ पर बड़ी अपडेट, रामलाल जी मीणा जो प्रतापगढ़ से एमएलए हैं, उन्होंने अपनी फेसबुक की ट्विटर आईडी पर यहाँ पर बड़ा अपडेट दिया है। इन्होंने कहा कि पंचायत राज एलडीसी, इसके अलावा नर्सिंग भर्ती 2013 के शेष रहे, जिसमें पंचायत राज एलडीसी के 10,029 और नर्सिंग भर्ती के 11,233 पद। इसके अलावा सूचना सहायक भर्ती की वेटिंग लिस्ट जारी करने, पंचायत सहायकों की विभिन्न समस्याओं को दूर करवाने, पुलिस कर्मियों की ग्रेड पे वृद्धि करने को लेकर यहां पर माननीय सीएम साहब अशोक गहलोत से मुलाकात हुई, वार्ता हुई और यहाँ पर जो है वार्ता सफल रही। इन्होंने कहा कि जल्द ही राजस्थान के बेरोजगार युवाओं को, युवा साथियों को सुखद परिणाम प्राप्त होंगे। दोस्तों, यहाँ पर बड़ी अपडेट, यहाँ पर पंचायत राज एलडीसी एसएसआर, इसके अलावा नर्सिंग भर्ती को लेकर माननीय एमएलए साहब रामलाल जी मीणा की सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात हुई और इन भर्तियों को करवाने को लेकर इन्होंने जो लेटर थे जिसपे विभिन्न जो एमएलए हैं उनकी यहाँ पर साइन मौजूद थे, जिनको यहाँ पर माननीय सीएम साहब को सौंपा गया और मांग की गई कि जल्द से जल्द इन भर्तियों को किया जाए। दोस्तों, सीएम साहब से भी यहाँ पर पॉजिटिव रिस्पांस मिला और जल्द ही यहाँ पर इन भर्तियों को करने की बात कही गई। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, पंचायत राज एलडीसी नर्सिंग भर्ती को लेकर यहाँ पर माननीय सीएम साहब से मुलाकात हुई और जो लेटर था 31 जुलाई 2020 का, जिस पर विभिन्न विधायकों के हस्ताक्षर मौजूद थे, वो भी सौंपा गया और पंचायत राज एलडीसी, इसके अलावा नर्सिंग भर्ती 2013 के शेष रहे पदों पर जल्द से जल्द भर्ती करने और वंचित रहे संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति की मांग रखी। साथ ही पंचायत सहायकों की जो विभिन्न समस्याएं हैं उनके निराकरण की भी यहाँ पर मांग रखी, जिसमें वार्ता सफल रही और माननीय सीएम साहब ने जल्द ही इनकी जो है प्रमुख समस्या, जिसमें पंचायत राज एलडीसी के शेष रहे 10,029 पदों पर ज्वाइनिंग देना, नर्सिंग भर्ती के 11,233 पदों पर ज्वाइनिंग देना, साथ ही पंचायत सहायकों की विभिन्न समस्याओं को जल्द से जल्द निराकरण करने की बात कही गई। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब या सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।